एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत के साथ होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की मेरी वीडियो भी बीए के स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है आज की भी, तो मेरी आज की वीडियो को भी आपने स्किप नहीं करना, एंड तक लाजमी देखना है। तो आपके साथ आज मैं शॉर्ट स्टोरी को डिस्कस करूँगी, यानी थर्ड वाली शॉर्ट स्टोरी को, इसका मल्टी आंसर बताऊँगी। तो आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है बगैर स्किप किए। इस शॉर्ट स्टोरी का भी सिर्फ मैं आपको एक ही आंसर बताऊंगी, जो कि ज़्यादा लेंथी भी नहीं है, नहायत ईजी वर्डिंग में आप याद कर लेंगे। तो इस स्टोरी ही थर्ड वाली से भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन और उनके आंसर याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, चूँकि अब तो बीए के स्टूडेंट के पास वैसे भी टाइम नहीं है, चूँकि स्टूडेंट की डेट शीट आ चुकी है। और आप ये बस वीडियो को देख के एंड तक, और मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह आपने करना है। तो स्टूडेंट्स, ये देखें, ये है जो मेरे पास नोट्स हैं, ये उर्दू ट्रांसलेट के साथ नहायत ईजी वर्डिंग में दिए गए हैं। तो बस आपने ये इतना सा आंसर जो है ये याद कर लेना है और एग्ज़ाम में लिख आना है। अगर इस स्टोरी से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपका ये बिल्कुल ठीक होगा। तो स्टूडेंट, मेरी आपसे गुजारिश है आप मेरी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिएगा। अल्लाह पाक से मेरी दुआ है कि अल्लाह आपको अच्छे नंबरों से कामयाब करें, आमीन। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ थर्ड शॉर्ट स्टोरी को डिस्कस करूंगी और उसके बारे में गाइड करूंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।